इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। ओम नमः शिवाय, अहिंसा परमो धर्म, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की है। शाम को मुकाम करते हैं, वहां पर विद्यालय मिलता है और प्रातःकाल आहारचर्या होती है तो विद्यालय मिलता है। कभी महाविद्यालय मिलता है, कभी ये माध्यमिक आदि छोटे छोटे मिल जाते हैं। कहीं एक से एक कक्षा से प्रारंभ होता है तो कहीं कहीं पर चौथी कक्षा से प्रारंभ होने वाले विद्यालय अभी कितना वातावरण मनोरम बन गया। बैठते बैठते ही तो एक छात्रा अपने परिचय देते हुए कहती है, हमें भी चंद्रगिरी पर, चंद्रगिरी में जो विद्यालय चलता है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। कई लोग तो अन्यत्र चले जाते हैं और यह चंद्रगिरी चंद्रवंशी होकर के आई है। नाम भी बहुत सुंदर है, वंश की परंपरा ऐसी ही चलती है। भारत का स्वरूप संस्कृति अद्वितीय है, थी और धूमिल होकर के आज इस स्थिति में है, लेकिन उसने भी अपने दिशा को पूर्व की ओर ही पुनः तो पश्चिम की ओर जा रही थी लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए इस रहस्य को समझ करके सहयोग देने का एक प्रकार से आप लोगों के सामने संकल्प जैसा ले लिया है। वस्तु अपने आप में पहले सर्वप्रथम ठीक है और उसको यदि और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। शिक्षा से ही भिक्षा उपलब्ध होती है और भिक्षा से सदीक्षा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर इसकी संयोजना है,
इसको जिस देश ने सुरक्षित रखी है, और आगे भी ये संकल्प है, अब उन्नति की मांग करना ही बेकार है। वहाँ उन्नति नहीं होगी तो फिर उन्नति कौन से देश में होगी? भटक सा गया था भारत, अब पुनः वह इस ओर आ रहा है सभी दृष्टिकोणों से, शासन प्रशासन की दृष्टि से। और हम तो शासन प्रशासन के साथ आत्मानुशासन भी अपना लेना चाहिए इस पक्ष के हैं। जो कुछ भी उन्नति के लिए चाहता है वह आत्मोन्नति के लिए ही चाहता है। और जहाँ पर आत्मोन्नति की बात आ जाती है, किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। आत्मा में है तो वहाँ पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आप लोगों का नाम जो ऊपर रखे गए हैं, उसके साथ साथ भीतरी उस आत्मा का भी खबर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बेखबर खबर ही आप जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ, केंद्र में वह आत्म तत्व संवेदनशील होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। और वह शिक्षा के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, ऐसे संतों ने कहा है। इसी को आप अपने जीवन के साधन मान करके आगे बढ़ेंगे और अपने संतान परंपरा को भी कायम रखना है तो यही एकमात्र मंत्र हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है, उसकी हम आराधना करते हैं। क्योंकि जड़ की ओर भागम भाग, यह एक प्रकार से हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं लगता, इसलिए जड़ से चेतन की ओर हम मुड़ जाएं। और जो चाह जो सुख और शांति चाहती है उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से इसी प्रकार की सात्विक शिक्षा पाने से ही होती है। ये धारणा हमारी बने अहिंसा परमो धर्म की। नमस्तेभ्यः ओम, नमस्तेभ्यः ओम, नमस्तेभ्यः। तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो सारे सारे अपढ़ होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो और तीर्थंकर अपढ़ होते, यानी उनकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती, और आगे भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझाने का विधा है, विद्यालय में जाकर के करो, किंतु उन्हें उस अवस्था में रह करके अच्छे अच्छे उलझी हुई समस्याओं को भी वे अपढ़ हो करके सबके समाधान दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है यह युग, एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है।
इसी के ऊपर उसका व्यक्तित्व निर्धारित या पहचान किया जाता है। देवों में भी कहीं सुनने में मिलता नहीं, वो भी पाठशाला या विद्यालय जाते हो। इतना अवश्य आ जाता है वो गुरु कहलाते हैं, वो स्वर्ग में ये बृहस्पति ये वार के ऊपर गुरु कहलाते हैं, लेकिन कहीं विद्यालय की स्थापना उन्होंने वहाँ पर नहीं की। इतना अवश्य है उनका विशेष क्षेत्रम होता होगा, इसलिए उनको बृहस्पति कह करके पुकारते हैं। और कहीं कहीं पर कवि लोग काव्यों में बृहस्पति का नाम याद करते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी हे भगवान आपकी गुणानुवाद करने में अक्षमता हो गई, यदि वो बृहस्पति भी यदि चाहे भगवान के गुणान पूर्ण नहीं कर सकता, ऐसा आपका व्यक्तित्व है, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं रहे। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं, समझते नहीं इसीलिए विद्यालय खोल करके उनको समझाया जाता है। और समझाने के उपरांत भी जिसको समझ में नहीं आती है तो हम तुम जैसे में उनका समावेश हो जाता है। आप अपने आप को पढ़े लिखे मत समझो। एक हाइकू बहुत दिन पहले लिखा था, उसमें से कुछ इसमें हम तथ्य समझ सकते हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, किसी वेग में दोनों समान है। अपढ़ को भी उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। बहुत रफ्तार से उसको देखने से, जैसे ट्रेन भाग रही है तो ट्रेन में खिड़कियां झुरके दरवाजा आदि आदि रहते हैं, और कभी कभी कुछ लोग वहाँ पर दरवाजे में आकर के खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं। और इधर से जब हम तुम देखते हैं तो न ही उन व्यक्तियों की हम गिनती कर सकते हैं और न ही उनके खिड़कियों में कौन खड़े हैं, दरवाजा में कौन खड़े हैं, और रेल के, सुन रहे हो आप, रेल के डिब्बे कितने हैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वेग में है। तो आज का युग, आज के बच्चे, असंतान, पढ़े लिखे कुछ भी हो,
माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है क्योंकि वह वेग में बहुत वेग में माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जा, कई गाड़ियाँ कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियाँ वेग होने के कारण और वहाँ से पहले से प्रबंध कर लेती सिग्नल क्या बोलते हैं वो डाल दिया जाता है तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी, उद्वेग आवेग वेग अब आ जाता है इससे विपरीत वह अपड़ है और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है और वह उस संवेग के माध्यम से निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ, ध्यान रखो ज्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा माथा तपता है और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समोचरण में सिंह भी बैठा है गैया भी बैठी है, गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है तो गाय भी देखती है सिंह को और दोनों हम समान हैं। एक राजा और एक राजा की प्रजा दोनों एक हो जाते हैं उसका नाम समोचरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है? बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग आवेग का अभाव होने के कारण सारे के सारे हजारों यात्री विश्वास के साथ बैठी है। इतने वेग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसे जाए? वह जागृत है। हमें जागृति की आवश्यकता है, हमें जागृति की आवश्यकता है और पढ़ लिख करके हमें बैठने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो शांत होने की आवश्यकता है। इसलिए जगत काय स्वभाव
वह संवेग वैराग्य अर्थ, तो वह ज्ञान हमारे पास स्वभाव के रूप में है, किंतु उसमें नई वैराग्य फूट रहा है। विद्यालयों से आप आवेग उद्वेग आदि आदि उसकी क्षमताओं जान सकते हो, किंतु आत्मा का स्वभाव क्या है इसके बारे में एक सेकंड भी खर्च नहीं करते आप लोग। और हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज शांति दे दो, तो शांत बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। बस आपके पास महाराज इसलिए हम आए, हम बैठे नहीं। आज सिटिंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि भागम भाग का है। इतना भागम भाग है उसको कोई हम समझते समझ भी नहीं सकते। जो शांत बैठता है उसको तात्कालिक उसका अनुभव होने लग जाता है। वैराग्य में खदवद खदवद नहीं होता, आवेग में वह कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उछलता रहता है। तो आज की विद्या उछाल सिखाती है। उछाल तो होना तो चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा होकर के उद्वेग में पड़ जाता है और अवयव अपड़ है और वह समय क्यों आ जाता है, वह मिथ्या को घना बनाता जा रहा है और यह सम्यक दर्शन को और घना आस्था को और मजबूत बनाता चला जाता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की ओर तीर्थंकर और उनकी संतान आदि नहीं जाती है, यदि जाती भी है तो क्षत्रियता का कुछ पाठ उन्हें दिया जाता है। यही एकमात्र जो व्यक्ति अशांत होकर के दुशांत को भी अशांत बना रहा है उसके लिए क्षत्रियता काम करती है। तलवार इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे उछल कूद शांत हो जाए। कैसे हो, यहाँ ला करके रख दो। आज छुप छुप करके छापा डाला जाता, पता है छापा क्या मान रेड है, चार रेड हो गया, वो वाइट नहीं है। आप उसको रेड रखा है इसलिए निकाल दो, रख दो। और पहले क्या करते थे, पहले से ही नियम दिलवा देते थे। तो ये वो क्या कहता, व्यापारी व्यापार करके आ जाता है, लेकिन मौलिक जो कोई भी वस्तु है उनको वह अपने पास न रख करके राजकोष में ही वह जाए, राजा के सामने भेंट के दे। बरसों व्यापार करके आते हैं, जहाज भर भर करके ले आते हैं, किंतु ये सब भगवान राजा को भी भगवान प्रभो दीनानाथ ये कह करके ये सब आपका है, तो वो चुन करके राजकोष में पहुंचा देता
राजा हीरा मोती माणिक इत्यादि को पहन तो लेता है, लेकिन पहनाव के अलग है, और राजकोष में जो रखा जाता है वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन चाबी कभी भी नहीं रखता कौन? राजा। क्योंकि उसके पास तो तलवार और ढाल रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए अपने आप ही राजा का काम हो जाता है। उनको कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं न्यायाधीश पद मिला है और वह क्षत्रियता को कभी नहीं छोड़ता, पर बनिया लोग क्षत्रियता का रहस्य नहीं समझते। सुन रहे हो? हाँ, आप तो केवल तोलना जानते हैं, और तोल में भी यदि मान लो और कमाई ज़्यादा करना है, डंडी मारना तो मतलब आप किसी को मारते नहीं, पर ऐसे मार देते हैं डंडी मारने के उपरांत, फिर आप क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बार बार मैं कहता हूँ, सम्यक निर्वेग की आवश्यकता है, वेग को कम करने की आवश्यकता है, और शांत बैठने से ही विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है, और विशुद्धि लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका बनती नहीं है। इसलिए चुप बैठो, चुप बैठो। क्यों? चुप बैठने से ही ज्ञात होता है कि कौन किसका कर्ता, कौन किसका अधिकारी स्वामी, और कौन किसका भोक्ता। बच्चों को, बच्चे भोजन करें वो जल्दी जल्दी न करें, इस प्रकार की बेटा धीरे धीरे खाओ ताकि पच जाए। हाँ, दांतों का काम यदि आंतों को दोगे तो दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे, और आंत के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भार दोगे तो कोई भी उसका आभार नहीं मान सकेगा, ये गलत बात हो रही। इसलिए पढ़ा लिखा भी यदि आवेग में आ रहा है उससे आप बचो, यही आर्यों के साथ संगति रखने के लिए हमें उपदेश दिया गया है। आर्य के साथ संगति रखो, आवेग वालों के साथ संगति नहीं रखो, क्योंकि उससे आपका भला कुछ भी नहीं होने वाला है। संगति अच्छी बनाए रखो। इसलिए कहा तो वह पढ़ाई जो हो रही है और कोई संगति उसमें मिलती ही नहीं, सब विसंगतियाँ, पिताजी माँ आदि शांत है और आज युवा शक्ति अशांत है। इतनी अशांत है इसको हम कह नहीं सकते। तो स्वर्गों में भी हमेशा विशुद्धि ऊपर ऊपर बनी हुई रहती है, इसलिए उनको पाठशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे होकर के इधर उधर के बातें करने वाले, उनके कारण अशांति फैल जाती है। इसके लिए रखा है
जो वृत्ति बना है वह वृत्ति बनने के उपरांत शांति के साथ रहे तो उसका चारित्र जो का त्यों बनाए रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इससे विपरीत चलता है तो वह अशांत स्वयं भी है। ऊपर ऊपर जाओ तो वेग कम रहता है, उसमें भी यदि मान लो वेग रहता है तो आचार्य कहते हैं वह उसकी कमी है। तो जो व्यक्ति शांत बैठा है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, जो वेग में बैठा है पढ़ा लिखा होकर के भी उसे वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इतना ही आज का कहना है, तो कल का क्या पता ये आकुलता अभी क्यों लगाए, क्या है। कल के बारे में यदि व्यक्ति शांति बनाए रखना चाहता है, कम से कम आज उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत पढ़ना नहीं। गुरुजी क्या कहते थे, बहुत बार पढ़ो, बहुत पढ़ना नहीं बहुत बार पढ़ो। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ द्वादशांग बहुत बार है, किंतु द्वादशांग को बहुत बार पढ़ो तो नमोकार मंत्र भी पर्याप्त है। इसलिए आप लोग वेग उद्वेग आवेग से बचियो, संवेग और निर्वेग के साथ अपना जीवन व्यापन करो। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सुदेव्यः, ओम नमः सुदेव्यः, ओम नमः सुदेव्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा जो घास फूस है हरा सूखा है जो कुछ भी उपलब्ध होता है उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती है, कई बार देखा सूखा तो खा रही गैया किंतु हरी हो, हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं,
किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्यय के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा, हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं, और उसमें बेचूक कभी भी चूक नहीं करते वो। गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाती, रात में वह जुगाली चलती है, खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था, और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चर्वण करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं, और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता तब तक नए सिरे से वो खाना, बीच बीच में डकार भी वो लेती है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम ले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं आप लोग बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तपोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा नाक मरोड़ करके तो रह जाते बच्चे, उनको बुलाना नहीं, और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रमणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वो ये है
दिन में जैसे गाय पशु पक्षी चर करके आ जाते हैं अपने अपने स्थान पर बैठ करके चरवन करते हैं, ये रोथनते ते पशव, हाँ जो चरवन करता है वो पशु और वह इसके बिना खाते हैं उसको मृग कहा है। उनको चरवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कौन है? बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, खरगोश है आदि आदि, ये सारे आप पशु पक्षी कहते हैं लेकिन इनको पशु नहीं कह सकते। किंतु गाय इत्यादि जो है ये चरवन करते हैं, इसके लिए उन्होंने जुगाली कहा है। दो बार लोलाया खाया जाता है जुगाली, हाँ। किंतु वो जो है कुछ पक्षी और मृग है वो नहीं, सिंह मृग है इसलिए मृगेंद्र कहलाता, क्योंकि वह जंगल में रहने वालों का इंद्र होता, यहाँ पर रहने वालों का इंद्र वह नहीं होता। तो अब ये कह रहा था मैं, रात में मुनि महाराज दिन में स्वाध्याय करें, जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार स्वाध्याय करें। इसके लिए उपकरण दिए जाते हैं, जब वह पूर्ण हो जाता है अनुष्ठान के साथ भावना के साथ अगली पाठ्यक्रम को प्राप्त करने से पूर्व में कुछ अंतराल छोड़ करके कर लेता। अब ये कह रहा था पशुओं के समान आप लोगों को जुगाली करना चाहिए, दिन में जो कुछ भी आपको दिया गया है सुनाया गया है उसको रात में, रात में तो स्वाध्याय के लिए हाँ कहा महाराज, हम कहा कह करें ना कहा है, लेकिन हाँ का अर्थ समझ में आता आपको कैसे हाँ कहा है? नए सिरे से पढ़ना नहीं, किंतु जो पढ़ा हुआ सुना हुआ देखा हुआ उसको बार बार चिंतन में लाने के लिए उन्होंने जुगाली कहा। ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको अर्थ के रूप में आप लोगों के सामने रखते समय बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो हमने कहा ये स्वाध्याय के लिए हमारे लिए आचार्य ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, रात में चश्मा लगा करके लाइट जलवा करके आए, तुम ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो? हाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लाइट तो जलाओ। अब वो 10-10 बजे तक लाइट जलेगी, हम सोचते हैं क्या निर्दोष स्वाध्याय है ये? बोलो हाँ। वाह, दूसरी बात है 12 घंटे के लिए अपने आप ही इनसे हम लोगों को परहेज हो जाता है। परहेज का मतलब मैं तो वहीं पर आकर के लाइट जला करके बैठ जाएंगे ये 10 बजे तक, नहीं, लाइट के माध्यम से जीव त्रस्त जीवों का तक वर होता है। जो व्यक्ति त्रस्त जीवों से बचना चाहता है उसको सर्वप्रथम इस लाइट से बचना चाहिए। और हमारे लिए प्रकाश का क्या प्रबंध है? सूर्य देवता हमारी सेवा के लिए खड़ा है, हमारी सेवा के लिए देवता भी नियुक्त हैं। और आप देवताओं से
भाग जाते हैं दूर। हाँ, क्योंकि ये भैया देवी देवता है वहाँ पर, मत जाओ वहाँ पर। हम आप लोगों को ही देवी देवता समझते हैं, भैया इनसे परहेज कर लो। बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो उपरील स्वाध्याय है, धवला जय धवला महाबंद आदि आदि कषाय पाउड षटकंडागम अध्यात्म के सारे सारे ग्रंथ, इनसे जो ही ये आ जाते हैं त्यो ही अभी भी दक्षिण में बंद करते हैं और वह आपस में चर्चा करना मुनि महाराज करते हैं। एक बार पूछा हमने एक महाराज को, ऐसा क्यों? इनके लिए ये नहीं बताया है, विशेष भोजन होता तो विशेष बच्चों को ही खिलाया पिलाया जाता है, हर बच्चों को नहीं। तो यहाँ रात में पचाने की प्रक्रिया अपने आप ही अवग्रह या अवाय धारणा, ये सारे जो स्वाध्याय के भेद हैं ये मंज जाते हैं। और आप लोग पढ़ने को ही स्वाध्याय मानते हैं, चिंतन को स्वाध्याय मानते नहीं। पढ़ते समय और आपका आवाज़ इत्यादि भी बाधक होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। चिंतन के समय पर आप लोग यदि वहाँ पर हा उल्ला करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? इसीलिए 12 घंटे आप लोगों से दूर होने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है। और उस समय हम दिन में जो खाया है वह रात में पकाए पचाए। जिस बच्चे के पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है उसको माता पिता को भी बहुत उत्साह होता, प्रसन्नता होती है कि बच्चा खा ही नहीं रहा है पचा भी रहा है। अब बच्चे की खुराक को अनुपात से बढ़ाना है। और आप अपनी रुचि के अनुसार खाएंगे? नहीं, आपको खिलाया जाएगा, बस खाते जाओ। गैया कभी ये नहीं करती मुझे वो लाओ मुझे वो लाओ। हाँ, जो सामने खिलाने के लिए रखा जाता है खाने के लिए तो वो उसको खा लेती है। और आवश्यकता है तो वो मुंह उठा करके देखती है तो समझ लेते हैं कि उस उतना ही नपा तुला उनको रखा जाता है। हाँ, कुछ छूट गया है कि देख लो, कुछ बच गया है कि देख लो घास, तो उसी घास के पास और थोड़ा से रख देंगे, लेकिन वो घास खाते कि नहीं देख लेते। एक गाय दूध देने वाली दुधारू और एक दूध नहीं देती, दूध नहीं देती है बुरा नहीं मानना, तो दूध देती है तो बच गया उसको और थोड़ा सा मिला करके दूसरे के सामने रख देते हैं। उसी प्रकार हमारा भी कहना, पहले खाया है हमने, खिलाया है, अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश के माध्यम से पचा करके आओ। अब खाते खाते बैठे ऐसा नहीं, दूसरे को भी खिलाओ, जैसे हमने खिलाया था वैसे को वैसे खिलाना, इधर उधर की बातें नहीं करना। ये यदि नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी कमजोरी है, स्वाध्याय की बड़ी कमियां हैं। इसलिए ये उदाहरण योग अच्छा आ गया। छात्राएं आए बताते हैं, हाँ जल्दी क्यों आए तुमको? छात्राएं आ गई पर्याप्त नहीं है क्या? बस इतना ही है।
अब छात्र आ गए तो ये सारे सारे बातें इसलिए वर्षों के द्वादश स्वाध्याय में और नहीं पाओगे आप आधा घंटा 15 मिनट में हमने। अब देखो गाय भैंस आदि आदि चरवण के लिए चले जाते हैं, वो सूंघती है, नहीं समझे, नाक लगा कर ये सूंघती है और उसके माध्यम से ज्ञात कर लेती है ये जहरीला है और ये दुधारू दुग्ध देने वाली ये घास है, उसको तो खा लेते हैं। हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर वगैरह चले जाते हैं, हरियाली से युक्त पेड़ लगे हुए हैं, वहीं पर बंदर बैठे हैं, उसमें से एक भी वह कली खाते नहीं, किंतु जो सूखा है वो सूखा तो खा लेते। अरे बंदर ये कैसे यार, नहीं वह विषाक्त है उसके लिए, वह और किसी काम में दूसरे काम में तो ले लेते होंगे लेकिन खाने के लिए नहीं लेते। उसी प्रकार हमारे लिए कहा है जो आपके लिए पाठ्यक्रम में दिया गया है वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो, आमनाएँ हैं, अनुप्रेक्षा है, प्रश्ना है, प्रश्ना वही पूछो जो कल हमने दिया था उसमें यदि शंका हो गए तो, और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा, वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके आपने उस ग्रहण किया है, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे ये प्रश्ना भी ठीक है आपका। वही वही कुछ लोगों के प्रश्न वही वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं, उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है, ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती, ग्राहकों को बनाए सीखो तो फिर देख लो कैसे जाए व्यवहार, तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो। और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दद्दा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी, फिर देख लो। हाँ महाराज आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते भैया, हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं इसलिए तो आते हैं, और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम उनको वहाँ पर बैठ जाओ, हावला नहीं कर बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञाएं हैं, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ इसीलिए ज़्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले, नहीं कल के लिए हाँ बेटा, कल के लिए, ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज़ मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं और समय पर। देखो ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे, आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा, खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती
और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती, फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। इसलिए कल की छुट्टी करने के अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ, और बार बार कहना न पड़ते बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए यहीं पर कर रहे हैं उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वहाँ अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो भी उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब? तो बहुत इधर उधर की बातें खाई, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वह खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे उपहारे इत्यादि का, एक बार की बात है महाराज, हम लाइट नहीं जलाते, जलवाते भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते क्या? नहीं, ये तो बात है, उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते, ठीक है ना? सहभागिता। क्यों? क्यों? क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, दीवार द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वध होगा, देखो सुबह सुबह जा कर के वहाँ पर कितने वध बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तृष्ट के त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण करण माने जाते हैं। तो ये दो तृष से बच, ये कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, अब जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं। सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो इन सब दोषों को याद करो। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा, गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।